अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज जॉर्जिया सिटीज़नशिप के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त अतीक को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा, जिसको जॉर्जिया की पीआर मिली। तो दोस्तों, मैं क्यों जॉर्जिया के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग जॉर्जिया की सिटीज़नशिप लें। तो दोस्तों, हर कोई बंदा यूरोप, अमेरिका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड नहीं जा सकता। इतने उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतना पैसा खर्च करके ऐसे कंट्रीज़ में चले जाएं। तो वो लोग जो यूरोप नहीं जा सकते, अमेरिका, कनाडा नहीं जा सकते, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते पैसा खर्च करने के लिए, और वो गल्फ़ में भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि गल्फ पता है आपको कि कभी भी सिटीज़नशिप नहीं देता। आप 50 साल भी रहोगे तो एक दिन आपने वापस अपने मुल्क आना है। जॉर्जिया के बारे में मैं बना रहा हूँ इसलिए कि आप जॉर्जिया जाओ, सबसे पहले सुन लें कि जॉर्जिया के पासपोर्ट के ऊपर 114 मुल्क, 114 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री एंट्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है जॉर्जियन सिटीजन्स को। और सेकंड नंबर पे उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान और इंडिया की निस्बत अच्छी है, वहाँ का आर्किटेक्चर अच्छा है और सेम यूरोपियन कल्चर है वहाँ पे। और जॉर्जिया ने ऑलरेडी एक वन एप्लीकेशन यूरोपीय यूनियन के लिए दे दी हुई है, आइंदा कुछ सालों में हो सकता है वो यूरोपीय यूनियन में आ जाए, शेंजन स्टेट में वो बन जाए, आ जाए। इससे पहले भी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसा कि यूक्रेन हो गया, बल्गारिया हो गया और कुछ अल्बानिया हो गया, इस तरह के दो तीन और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है शेंजन में आने के लिए, यूरोपीय यूनियन में आने के लिए। तो जब इसकी बारी आएगी, इसका भी रिव्यू चल रहा है जॉर्जिया के ऊपर। तो अब इसके पाँच से छः तरीके हैं जॉर्जिया की सिटीज़नशिप लेने के लिए। जॉर्जिया की सिटीज़नशिप जिसको मिल जाए उसके पासपोर्ट के ऊपर, जॉर्जिया के पासपोर्ट के ऊपर पूरा यूरोप शेंजन स्टेट फ्री हैं, वो किसी भी शेंजन स्टेट में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके अलावा ब्राज़ील वो जा सकते हैं, साउथ अमेरिकन स्टेट्स वो जा सकते हैं, एशियन कंट्रीज़ में वो कितने ट्रैवल कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि वो यूरोप के बेहतरीन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा फ्री है जॉर्जिया के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सिटीज़नशिप आपको मिलनी किस तरह है। 5 से 6 तरीके हैं, या तो आप स्टडी वीज़ा पे जॉर्जिया में चले जाएं, स्टडी भी बहुत चीप रेट्स पे वहाँ पे हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया की निस्बत कम पैसों में आप स्टडी वहाँ कर सकते हैं। बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स जॉर्जिया में MBBS के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनको सस्ता पड़ जाता है जॉर्जिया। नंबर टू है आपके पास कि आप वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई अपनी ज़मीन ख़रीद लें। नंबर थ्री पे है कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। नंबर फोर पे है कि आप असाइलम अप्लाई करें। नंबर फाइव पे है कि आप जॉर्जियन लड़की से शादी कर लें। नंबर सिक्स पे है कि आप विज़िट पे जाके कोई जॉब ढूंढें और आपको कोई स्पॉन्सरशिप दे दें। अच्छा, अब ये 6 तरीके हैं, इनमें से एक दो तरीके जो लोग कहेंगे यार कि ये अगर हमने इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो हम फिर जॉर्जिया क्यों जाएं, हम किसी और कंट्री जाएंगे। तो बात ठीक है आपकी, आप इन्वेस्टमेंट ना करें जॉर्जिया, लेकिन अपना बिज़नेस कर सकते हैं आप वहाँ पे। एग्रीकल्चर में अगर नहीं आप इन्वेस्ट करना चाह रहे तो आप वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करें। बिज़नेस में कोई इतना पैसा नहीं लगता, सिर्फ 200 लारी लगते हैं। 200 लारी लगेंगे, आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। एक लारी पाकिस्तानी 53-52 के इक्वल है। और उसके बाद आप अपना रेस्टोरेंट बना सकते हैं। रेस्टोरेंट मीन कोई आप शवारमा शॉप ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे शवारमे का बहुत ज़्यादा काम है। आप हलाल फूड ओपन कर लें वहाँ पे। पाकिस्तानी बेतहाशा वहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत बिजनेसमैन हैं। मैं जब गया था वहाँ पे, मैंने एक पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिला था, वो जापान रहता था वो बंदा। जापान छोड़ के तो जॉर्जिया में उसने रेस्टोरेंट खोला, वो बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट का नाम है ताज होटल के नाम से वो रेस्टोरेंट है। और जो भी जॉर्जिया जाते हैं उनको पता है कि वो कितना फेमस और कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, और एक पाकिस्तानी का है वो। और उसके ओनर से अगर बात करेंगे तो वो जापान को छोड़ के आया हुआ, वो जापान में पहले काम करता था, कितना अरसा वो जापान में रहा, लेकिन वो जापान को खैराबाद किया कि जॉर्जिया में सेटलमेंट होगी। अच्छा, आप सिटीज़नशिप के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे अपना बिज़नेस ओपन करें। अगर आप कहते हैं यार बिज़नेस मैं नहीं कर सकता, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं बिज़नेस भी कर सकूँ, तो आप ऐसा करें वहाँ पे जाके विज़िट पे चले जाएं। विज़िट पे जाके आप स्पॉन्सरशिप ले लें, कहीं पे आप जॉब करें, उससे स्पॉन्सरशिप गेट कर लें।
अब जो गल्फ़ कंट्रीज़ में पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके लिए जो वीज़ा फ्री है वो चले जाएं वहाँ जॉर्जिया जाएं, उनको 3 मंथ्स की एंट्री मिल जाएगी। वो स्टैंप लगा देंगे पासपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर डेट नहीं लिखी होती, सिर्फ एंट्री की स्टैंप लग जाएगी और डेट लिखी होगी 3 मंथ्स की, वो बेसिकली वो वैलिड स्टैंप होगी। जब आपके 3 मंथ्स पूरे होने वाले हों आप चले जाएँ दोबारा और एक्सटेंड करवा सकते हैं आप इस तरह। नंबर 2 पे आप ऐसा करें, बहुत सारे लोग मैंने वहाँ पे देखा अफ्रीकन लोग थे जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ था। असाइलम का ये तरीका है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे कि हमारे कंट्री में हमें कोई ख़तरा है जान को या फिर कोई मसला है, कोई भी आपकी सॉलिड रीज़न होगी, वो रीज़न दें वहाँ पर जाकर मिनिस्ट्री में। जब आप रीज़न देंगे तो आपका केस रिव्यू किया जाएगा, 1 साल के लिए वो आपको TRC दे देंगे। TRC जब 1 साल के लिए मिलेगी आपका केस स्ट्रॉन्ग हुआ, वो इस काबिल समझेंगे कि आपका केस स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको PR दे देंगे। और जो आपको 1 ईयर की TRC मिलेगी उसमें वो आपको अलाउ करते हैं कि आप काम भी कर सकते हो और उसके अलावा सेम वहाँ की सहूलियात मिलेंगी जिस तरह के जॉर्जियंस लोगों को मिलती हैं, कुछ पैसे दे देंगे वो आपको मेडिकल वगैरह के लिए, तो इस तरह का वो होगा। उसके अलावा अगर आप अपना बिज़नेस करते हो सिर्फ 200 लारी लगते हैं, 200 लारी लगा के आप कंपनी ओपन करोगे, उसके अलावा आप TRC आपको मिल जाएगी, TRC मिल जाएगी और उसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो, ठीक है। TRC लेके एक्सटेंड करवाओ उसको, आप किसी जॉर्जियन लड़की से शादी कर लो। मेरे दोस्त अतीक ने वहाँ पे एक जॉर्जियन लड़की से शादी की है, उसने अपना रेस्टोरेंट खोला है, 200 लारी में उसने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई थी और वहाँ पे उसने एक शॉर्मा शॉप ओपन की है। जॉर्जियन लड़की से शादी करके जॉर्जियन लैंग्वेज सीखी है, 4 से 5 साल गुजारे हैं, अब उसको PR मिल गई है। इसी तरह आप करो, वहाँ जाके एक शॉर्मा शॉप ओपन कर लो या कोई भी बिज़नेस जो आपको समझ आ रही है वो आप ओपन करो, TRC को एक्सटेंड करवाते जो 6 साल तक एक्सटेंड होती है, जॉर्जियन लैंग्वेज सीख लो वहाँ पे। जॉर्जियन लैंग्वेज सीखने के बाद जब 5 साल आपके पूरे हो जाएंगे और आप लीगल तरीके से जॉर्जिया में रहोगे, आपको जॉर्जिया की हिस्ट्री पता होगी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करोगे, आप सिटीज़नशिप के लिए अहल हो जाओगे। अब जो लोग स्टूडेंट पे स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, जो स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं MBBS के लिए जा रहा हूँ, ज़ाहरी बात है 5 से 6 साल का MBBS वहाँ पे 6 साल का है, 5 से 6 साल जिस बंदे ने वहाँ पे गुजार लिए उस वो ऑलरेडी उसको PR मिल जाएगी। PR ये है जेन्युइन तरीके से, इलीगल नहीं, जेन्युइन तरीके से जो बंदा जॉर्जिया में गया 5 से 6 साल उसने गुजारे उसको PR मिल जाएगी। जॉर्जियन लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके बाद आपको जॉर्जिया की हिस्ट्री का पता होना चाहिए, उनके रूल्स का पता होना चाहिए और आप वहाँ पे जो टैक्स पे करना है वो अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपको जॉर्जिया की नेशनैलिटी मिल जाएगी, सिटीज़नशिप मिल जाएगी। ये मैंने आपको तरीके बताए थे जॉर्जिया में सिटीज़नशिप लेने के, ये बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और अदर शेंजन कंट्रीज़। शेंजन कंट्री में जाएंगे आप 20-25 लाख रुपया लगा के जाते हो, अच्छा लोग 15-15, 20-20 लाख वहाँ पे लगा के जा रहे हैं, इलीगल हो जाते हैं वहाँ पे जाके, 10-10 साल वहाँ पे इलीगल रहते हैं, फिर उनकी किस्मत कि उनको कागज़ मिलते हैं नहीं मिलते, 10-10 साल वो आ नहीं सकते। जॉर्जिया में ऐसा नहीं है, जॉर्जिया में आप लीगल स्टेटस के साथ रहो, लीगल स्टेटस मैंने आपको बताया 5 से 5 है, एक तो छोटा असाइलम हो गया वो छोड़ ही दो, आप असाइलम अप्लाई करना है आप वहाँ पे फिर रहोगे, 5 से 6 साल आप वहाँ पे गुजारो, जॉर्जियन लैंग्वेज सीखो, उनके रूल्स फॉलो करो और उनकी हिस्ट्री का सारा आपको पता हो और वहाँ पे आप टैक्स पेयर बन जाओ, टैक्स पे करो और अपना ये शो करवाओ कि आप उस कंट्री के साथ कितने सिंसेयर हो, तो आपको सिटीज़नशिप मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त अतीक को मिली है PR और बहुत सारे मैं जब गया था जॉर्जिया तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों से मिला, वो कितने कितने साल इंडियन से भी मिला, जो सिख वहाँ पे बहुत कम्युनिटी है उनसे मिला, उनको भी PR मिली हुई थी, मैं मिला उनसे, कम्युनिटी से मिला, सिख कम्युनिटी से, पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिला, उनको सिटीज़नशिप मिलने वाली थी, मिली नहीं थी लेकिन PR मिल चुकी थी। अब वो कह रहे थे 1 या 2 साल में उनको पासपोर्ट भी मिल जाएगा और मैंने आपको बताया पासपोर्ट लेने का, पासपोर्ट जब मिल जाएगा आप किसी भी शेंजन स्टेट में विदाउट एनी वीज़ा जा सकते हो। मैं समझता हूँ बहुत कम पैसों में आप जॉर्जिया जा सकते हो और सिटीज़नशिप ले सकते हो अगर आप कंपेयर करो किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।